अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वेलकम हो गया आपका कुकिंग विद शायन में। सो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है बेसन की कड़ी पकोड़ा रेसिपी मसाला, और बिल्कुल VIP और ज़बरदस्त, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाई थी और बहुत ही VIP थी। मैंने पकाई है और मैंने जिस जिस को खिलाई उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और बहुत तारीफ़ की, और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ये मुझे रोज़ खिलाइएगा और पार्सल भी दीजिएगा। सो फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिले। सो आज की जो रेसिपी है उसके अज्जा ये हैं। ये कढ़ी बनाने की अज्जा हैं। इसमें 1.5 पाव बेसन जाएगा, इसमें 1.5 पाव दही जाएगी, इसमें 3 चम्मच सुरख लाल मिर्चों के जाएंगे पीसी हुई, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के हल्दी, 10 से 12 हरी मिर्चें, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज कटी हुई। ये कढ़ी के पकौड़े बनाने की रेसिपी है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 कटी हुई हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये बारीक कटी हुई चॉप प्याज है बिल्कुल बारीक, ये सूखा हुआ पुदीने के पत्ते हैं, आप ताज़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पकौड़ों में, कढ़ी के पकौड़ों में बासी वाला ज़्यादा अच्छे लगते हैं पुराने। 1 कटोरी तेल है फ्राइंग के लिए, और 1 चम्मच नमक, और 1.5 पाव के करीब बेसन है, यानी कि 2 कप के करीब बेसन है। 1 चम्मच इसमें पीसी हुई लाल मिर्ची जाएंगी। अब हम आपको बताएंगे कढ़ी के तड़के की अज्जा। इसमें 1 कटोरी तेल जाएगा तड़का करने के लिए, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये कड़ी पत्ते हैं, 10 से 12 पत्ते हमने ले लिए थे, ये आपको सब्ज़ी की दुकान पे आराम से मिल जाएंगे। ये 10 से 12 इसमें जाएंगी मोटी लाल मिर्चें गोल वाली, और 2 हरी मिर्चें जो होती हैं लाल मिर्च हो जाती हैं वो। अब हम बिस्मिल्लाह करके अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 पतीली के अंदर बेसन डाल दिया अपना, इसमें जो 1.5 पाव 1.5 पाव दही था वो डाल दी, इसके अंदर जो लहसुन का जो पेस्ट था वो डाल दिया हमने, लाल मिर्च डाल दी पीसी हुई 3 चम्मच, नमक डाल दिया 2 चम्मच के करीब जो था, हल्दी पाउडर डाल दिया। ये हम कढ़ी तैयार कर रहे हैं, पकोड़े बाद में तैयार करेंगे, और पानी की मदद से इसका बैटर तैयार कर लिया। अच्छा, शुरू में आप डायरेक्ट ज़्यादा पानी मत डालिएगा, कम थोड़ा थोड़े पानी से बनाइएगा, ताकि आप जब कम से बनाएंगे तो इसके अंदर जो गुठलियाँ बनती हैं और लम्ब्स वगैरह बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ, पहले कम पानी के अंदर हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, फिर बाद में पानी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके लम्स जो थे वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। हमें इसी तरीके का बैटर तैयार करना है, यानी एक भी गुठली ना रहे। ये देखिए, आपकी जो टेक्सचर होने चाहिए बेसन का वो यही होगा, यही होना चाहिए। अब हम इसके अंदर तकरीबन 12 गिलास पानी डाल देंगे। हमने डाल दिया। अब हम इसको किसी भी लकड़ी के चम्मच, या आपके पास अगर सिल्वर का चम्मच है तो आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर दिया। और इसको गाढ़ी होने तक पकाना है। तकरीबन आधा घंटा ये देखिए, इस तरीके से ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा हमारा जो ये कढ़ी का बैटर था। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें और प्याज ऐड कर देंगे। जो हमारी 10 से 12 हरी मिर्चें थी और 2 कटी हुई प्याज थी। और इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा और पकाएंगे।
लगभग आधा घंटा और पकेगी, फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आधा घंटा गुजर चुका है और हमारी जो पतीली के अंदर जो कढ़ी थी वो आधी रह चुकी है। अब हम इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे और ये 4 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको दोबारा हम आधे घंटे और पकाएंगे। दोस्तों जो बेसन का कच्चापन होता है वो तकरीबन 1.5 घंटे में जाके ख़त्म होता है। ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा बैटर और जो हमारी कढ़ी है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और इसका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको पकौड़े बनाने का प्रोसीजर सिखाते हैं। सबसे पहले एक बॉल में आधा पाव बेसन ले लिया आपने, इसमें नमक डाला, लहसुन डाला का पेस्ट डाला, प्याज डाल दी जो बारीक चॉप्ड हुई हुई थी और क्वांटिटी हम स्टार्ट में बता चुके हैं। पुदीने के सूखे हुए पत्ते डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी चॉप्ड और पानी की मदद से इसका बैटर बना लिया। ये देखिए दोस्तों, इसका बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको भी इसी टेक्सचर का ही आपको बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा इससे पतला और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा। और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी, इसकी पिसी भी लाल मिर्ची ऐड कर दी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया हमने पिसी हुई मिर्चों को। ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ये देखिए ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम और मिक्स करेंगे। ये देखिए आपका जो बैटर है वो इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए अब बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब हम अपना तवा रख देते हैं। हमने तवा रख दिया और इसमें ऑयल डाल दिया फ्राइंग के लिए। अब हमने 1 चम्मच की मदद से हमने अपना पहला पकोड़ा रखा, ये थोड़ा कम निकला था बैटर तो हमने थोड़ा और डाल दिया इसके ऊपर। इसी तरीके से हम चारों बना लेंगे। एक तरफ से इसको सही से पकने देंगे, जब इसका किनारे छूट जाएंगे पकोड़ों के तो हम पलट देंगे इसको। ये देखिए आपको भी यही गोल्डन कलर चाहिए। ये देखिए दोस्तों हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से जो हमारा बैटर बना हुआ है उससे हम पूरी प्लेट भर के पकोड़े बना लेते हैं। ये देखिए हम बाकी के पकोड़े भी अब तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारी कढ़ी का जो बैटर था उसके अंदर हम अपने पकोड़े डाल देंगे। ये हमारे पकोड़े हैं जो बने हैं, हमारे हमने जो बनाए थे पकोड़े। अब हम अपने पकोड़े कढ़ी में डाल देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए अब हम अपने कढ़ी के पकोड़ों को अपनी कढ़ी के अंदर के बैटर में डिप कर देते हैं ताकि वो नरम हो जाएं थोड़े। अब हम अपनी तड़के की तैयारी करते हैं जो इसके ऊपर डालना है हमें। हमने एक पैन रखा, उसमें ऑयल डाल दिया। उसमें ज़ीरा डाला और इस ज़ीरे को जब तक तेल में से खुशबू ना आए ज़ीरे की हम इसको पकाएंगे। ये देखिए ज़ीरे की स्मेल आने लग गई है तेल में से। अब हम इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे।
2 मिनट बाद हमारे जो ज़ीरा है उसका कलर भी चेंज हो चुका है और तेल में से VIP खुशबू भी आने लग गई। तो हम इसके अंदर मोटी वाली लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता और जो हमारी 2 हरी मिर्चें हुई भी लाल मिर्चें डाल के इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पकाएंगे। ये बिल्कुल VIP तरीके से पक चुकी हैं। अब हम इसको अपनी कढ़ी के अंदर तड़का मार देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी कढ़ी में तड़का डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, अब हम अपनी जो तड़के वाला था तड़का जो डाला था उसको मिक्स कर देते हैं अपनी कढ़ी के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा नज़र व्यू है माशाल्लाह से। बहुत ही VIP बनी थी और मैंने जिसको भी खिलाई थी उसने मेरी रेसिपी की बहुत तारीफ़ की थी और बोला था ये कढ़ी हमें घर के लिए भी दीजिए, और मैंने माशाल्लाह से उनको भर भर के घर के लिए भी दी थी और ये बहुत ही जायकेदार बनी थी और बहुत ही लजीज थी। मैंने जिसको भी खिलाई उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं भी दी और उन्होंने कहा वाकई में ये रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो उन्होंने कहा कि हम भी बनाएंगे इंशाल्लाह। सो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ये मेरी रेसिपी का फाइनल लुक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके और मेरे दस्तरखानों की रौनकें हमेशा इसी तरीके से कायम और दायम रखे, आमीन। सो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो दोस्तों, प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की बहुत नीड है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।